अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवार पर सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है और समझौता ना करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। इस पूरे मामले में एसपी नेता और साथी नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। कोतवाली नगर में बीजेपी नेता राम सेवक दास ने मुकदमा दर्ज कराया। जिला महिला अस्पताल में जाकर पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा था। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में गैंगरेप का मामला सामने आया था जिसके बाद में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अब बीजेपी नेता की तरफ से एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी के नेता पर लगाया गया है और कहा गया है कि सुलह करने के लिए धमकाया जा रहा है और ना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अयोध्या से संवाददाता केबी शुक्ला जुड़ गए हैं। केबी, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? बीजेपी नेता की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या पीड़ित परिवार की तरफ से भी वो बातें कही गई हैं और क्या पीड़ित परिवार भी शामिल है इस एफआईआर में? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट है जो पीड़ित जो है वो जिला में असल भर्ती का चल रहा है, वो प्रेग्नेंट है। कुल मिलाकर रात 11 बजे जो भदरसा के सपा नेता हैं और चेयरमैन हैं, उनका जो है उनका अपने साथियों के साथ जिला अस्पताल जाते हैं और पीड़ित परिवार को सुलह करने का दबाव डालते हैं, प्रलोभन देते हैं, पैसे देने का भी प्रलोभन देते हैं। उसके बाद जब वो पीड़िता नहीं मानती, जो परिजन नहीं मानते हैं, तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस मामले में भरतकुंड के निवासी जो भाजपा नेता है राम सेवक दास, उन्होंने कोतवाली नगर में एक केस दर्ज कराया है कि चेयरमैन है मोहम्मद राशिद और जय सिंह राणा सहित तीन लोग जो है वो धमकाने का उन पर आरोप है कि पीड़ित जो है वो सुलह कर ले, ताकि जो मुख्य आरोपी है, जो सपा का जो नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है मोहित खान, जो इस समय जेल में है, वो सुलह कर ले। तो कुल मिला के सीएम योगी भी बिल्कुल सख्त हो गए हैं। जो मोहित खान की जो प्रॉपर्टी है उसकी नाप जोख भी शुरू हो चुकी है। SHO और चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो चुके हैं। तो कुल मिला के अब ये जो आखिरी जो उनको रास्ता समझ में आया कि अब पीड़ित को धमकाया जाए सुलह करने के लिए, कुल मिला के जिस तरह से ये मामला आगे तूल पकड़ रहा है, बढ़ रहा है। हालांकि सपा नेताओं का अभी तक कोई बयान नहीं आया, चाहे वो पवन पांडे हों, चाहे सपा के सांसद अवधेश प्रसाद हों या जिला अध्यक्ष हों, सब बिल्कुल चुप मार के बैठे हुए हैं जबकि बोलती बंद है। किसी का कोई बयान इस मामले पर नहीं आ रहा है। जिस तरह से सीएम योगी ने एक्शन लिया है, हालांकि आज समाधान दिवस है, हालांकि हो सकता है कि इसमें आज बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। अगर एक ही जमीन भी नाजायज मिली होगी, अवैध कब्जा मिला होगा या अवैध तरीके से निर्माण हुआ होगा, तो कुल मिला के आज उस पर कार्रवाई हो सकती है जी। और बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री से पीड़ित की मां ने मुलाकात भी की थी और साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सपा के बागी विधायक अभय सिंह ने अयोध्या गैंगरेप केस में बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी आरोपियों ने कई लड़कियों से बलात्कार किया था, लेकिन किसी ने इनकी शिकायत दर्ज नहीं की, इसलिए यह मामला सामने नहीं आ सका। अभय सिंह का कहना है कि जब वो अस्पताल में पीड़िता से मिलने गए तो लोगों ने ये शिकायत की है। तो अयोध्या से गैंगरेप का मामला सामने आया था, हालांकि बीजेपी नेता की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए और साथ ही जिन आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ है या जो आरोपी अभी बनाए गए हैं, उन पर पहले भी बलात्कार करने की आरोप बीजेपी के नेता की तरफ से लगाए गए। उन्होंने कहा कि पहले लोगों ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, FIR नहीं कराई, इसलिए पहले मामले सामने नहीं आए हैं। और पीड़ित परिवार से और साथ ही पीड़िता से मिलने के लिए पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उनसे इस बात की कंप्लेन भी की। ये भी पता चला है कि ये कोई पहली लड़की नहीं है, इस तरीके से बहुत सी लड़कियों के साथ इन्होंने किया। जिस घटनाओं को दबा दिया गया, वो शिकायत उनकी सुनी नहीं गई। अभी अंदर लोग बता रहे, तो बेटियां बच्चियां बता रही थी, वो सब बच्ची, कि बहुत लड़कियों के साथ इन्होंने किया, उसको दबा दिया गया। अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपी मोहित पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। प्रशासन की टीम अयोध्या में आरोपी मोहित के घर की जमीन
की नाप करने भी पहुंची और सरकारी जमीन पर एक इंच भी अवैध कब्जा मिलने पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कल पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी से मिलने भी पहुंचा था और आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी की गई थी, जिसके बाद में सुहावल तहसील से राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी सपा नेता मोहित खान की जमीन की पैमाइश शुरू की गई। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देखिए, जमीन की पैमाइश की जा रही है जहां पर बुलडोजर चल रहा है, इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी का नेता और साथ ही आरोपी मोइन है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है गैंगरेप का। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। कल पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था और पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री से ये गुहार लगाई थी। सवाल है प्रॉपर्टीज का, वो जस्ट चेक किया जा रहा है इलीगली क्या है और कहाँ कहाँ है, कैसा है। बीच में नहीं है, बीच में अब तक क्या कौन कौन सी जमीनों को चेक किया जा रहा है ऐसे बताना चाहिए।